हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आप जिस भी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हो, क्या वो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है, क्या वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो भी विश है, जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी। सो आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। आपको एक कार्ड चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन। कार्ड नंबर वन इज़ वी हैव योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। एंड कार्ड नंबर टू मैसेज वी हैव इज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो जो भी कार्ड मैसेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो वाला चूज कर सकते हैं कार्ड। एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विथ दी ग्रुप नंबर वन। हाय गाइस, ग्रुप नंबर वन। सो आपने चूज़ करा है कार्ड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। चलिए देखते हैं कि आप जिस भी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हो, क्या वो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है या नहीं। सबसे पहले हम ज़रा आपकी करंट एनर्जी चेक कर लें फटाफट से कि आप अभी किस करंट एनर्जी, किस करंट जोन में हो अपनी लाइफ में। ग्रुप नंबर वन। सो वी हैव डेविल, वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स। मुझे आपकी लाइफ में थोड़ी सी नेगेटिविटी नज़र आ रही कि आप नेगेटिव सिचुएशन में घिरे हुए हो इस टाइम लाइफ में, या आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, या आप किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में हो, या आप के एडिक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, या आपका लाइफ में जहाँ फोकस होना चाहिए वहाँ नहीं है। पर आप कहीं ना कहीं आपका फोकस गलत जगह पे है, जो चीज़ आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, राइट? और आप अपने आप को बहुत बंधावा महसूस कर रहे हो, या तो किसी पर्सन से, या किसी सिचुएशन से, या किसी और चीज़ से, बट यू आर स्टक इन अ सिचुएशन। और वो चीज़ है वो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो क्रिएट कर रही है, फिर आपको जो है आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, राइट? और आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस पे बहुत ट्रस्ट कर रहे हो। आप इमोशनली जो है ऑपरेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कि आप थ्रू योर इमोशंस आप अपना ले रहे हो फैसले लाइफ के, आप प्रैक्टिकली उतना नहीं सोच रहे हो अभी ज़िंदगी में। और कहीं ना कहीं आपके इमोशंस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मेच्योर लेवल पे नहीं है, वो बहुत ही इमेच्योर लेवल पे हैं। मतलब 100% रिलाई नहीं कर सकते हो अपने इमोशंस पे, या बिल्कुल ही मतलब अपने कंफर्ट जोन में आप 100% आप रिलाई नहीं कर सकते हो, राइट? एंड आई ऑल्सो फील कि आप भाग रहे हो किसी सिचुएशन से। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको तकलीफ दे रही है, या फिर जो यू यू जस्ट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम सिचुएशन, कि मैं बस निकलूँ यहाँ से। मतलब आप बिल्कुल उसको फेस नहीं करना चाह रहे हो, वहाँ से भागना चाह रहे हो किसी सिचुएशन से, किसी चीज़ से, या आप डर रहे हो कि पता नहीं आगे क्या होगा, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सो यू आर काइंड ऑफ रनिंग अवे। तभी आपने कार्ड चूज़ किया, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप करना बहुत कुछ चाह रहे हो अपनी लाइफ में, बट प्रैक्टिकली जब करने की बात आती है तो आप वहाँ से भागना ही पसंद कर रहे हो अभी, राइट? और मे बी शायद कोई पर्सन है जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहा है, या कोई सिचुएशन है जो आपको बांध के रखी हुई है, जो आपको ग्रोथ नहीं होने दे रही है आपकी। सो आई जस्ट फील लाइक देयर इज अ काइंड ऑफ अ नेगेटिविटी इन योर लाइफ राइट नाउ। और मे बी ये भी हो रहा होगा कि आपके रिलेशनशिप्स भी इस वक्त बहुत ज़्यादा खास नहीं चल रहे हैं, बहुत मतलब ये नहीं कि बहुत ही बुरे चल रहे हैं, बट बहुत अच्छे भी नहीं चल रहे हैं आपके। ओके, चलिए देखते हैं कि जिस भी चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हो, क्या वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। ग्रुप नंबर वन। वी हैव किंग ऑफ कप्स, मैजिशियन, एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स था पहले, मैं किंग ऑफ कप्स है। ऑफकोर्स इमोशनली आप काफ़ी मेच्योर लेवल पे जा रहे हो अभी, फिलहाल आप एक इमेच्योर लेवल पे हो अपनी लाइफ में, जहाँ पे आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते हो अपने इमोशंस पे। बट अब आपकी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे अपने इमोशंस पे आप मास्टरी कर लोगे, एंड देन यू कैन ऑफकोर्स यू कैन ट्रस्ट ऑन योर इमोशन। जो भी चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, राइट? बिकॉज मैजिशियन का कार्ड आया, किंग ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है,
वो चीज़ बहुत जल्दी आएगी आपकी लाइफ में, मे बी विद इन 1 month वो चीज़ आपके पास हो। नंबर 1 का यहाँ बहुत बड़ा रोल होगा आपकी लाइफ में, और आप बहुत खुश होने वाले हो जब आपकी लाइफ में आएगी वो चीज़, और आप यू विल फील अबंडेंट। नो मे बी आपको वेट है अपॉर्चुनिटी का, करियर वाइज आपको वेट हो, राइट? तो यहाँ मुझे सक्सेस दिख रही है करियर में, मुझे यहाँ सक्सेस दिख रही है लव लाइफ में। अगर अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपके रिलेशनशिप में, इमोशनली बैलेंस नहीं था आपके रिश्ते में तो इमोशनली बैलेंस आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर जो है वो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेंगे आपको लेके, राइट? एंड आई फील कि जैसे जैसे आप ग्रो करोगे अपनी लाइफ में उतने ही ज़्यादा आप और हम्बल और डाउन टू अर्थ भी बनते जाओगे, मतलब उतना ही आपका दिल जो है वो और अच्छा होता जाएगा। एंड मैजिशियन ऑल्सो इंडिकेट्स कि आपको हार्डवर्क तो करना ही है, राइट? आपको जो एफर्ट डालना है वो तो करना ही है, बट कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी करना है, आपको पॉजिटिव भी रहना है। ये नहीं कि आप, बिकॉज डेविल काटता है तो सोच तो अभी नेगेटिव ही है आपकी, राइट? तो चाह रहे हो बहुत कुछ बट थिंकिंग नेगेटिव है, ऐसे नहीं रखना है, तो फिर वो चीज़ कभी पूरी होगी ही नहीं। जितना आप एफर्ट डाल रहे हो उतना ही उस चीज़ पर बिलीव भी करना है, उतना ही उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी करना है, उतना ही आपको पॉजिटिवली बोलना भी है कि यस ये चीज़ मुझे मिलेगी ही मिलेगी, राइट? बिकॉज आपके पास ना सारे रिसोर्सेज हैं उस चीज़ को हासिल करने के, प्लस आपके पास डिवाइन एनर्जी है, आपके आपके पास आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आप खुद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप खुद एक बहुत अच्छे इंसान हो। बट कुछ सिचुएशंस कभी कभी लाइफ में ऐसी आती हैं जो कि हमारे बस में नहीं होती हैं, जो हमें नेगेटिव बना देती हैं, हमें बहुत अंदर तक हर्ट कर देती हैं, बट आप अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालोगे, बिकॉज आपके अंदर वो, आपके अंदर एक क्वालिटी है कि भले ही लाइफ आपको कितना भी गलत सिचुएशंस दिखा दें, बट आप अपने अंदर से आप में वो पावर है कि आप ना फिर से खड़े हो जाते हो और फिर से आप कमबैक करते हो। ओके, सो ये कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में सारी जो ड्रीम्स विशेज़ है ना आपकी, वो सब कुछ पूरी होने वाली हैं बहुत ही जल्द, सो डोंट वरी। चलिए और देखते हैं कुछ कार्ड्स आपके लिए। वी हैव लव, वी हैव ल्यूमिनोसिटी एंड वी हैव यिन एंड यांग। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में मुझे सोलमेट एनर्जी नज़र आ रही है कि अगर आपको वेट है परफेक्ट पार्टनर का, ऐसा पार्टनर जो आपसे प्यार करे, ऐसा पार्टनर जो आपको अंडरस्टैंड करे, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में, तो वो जो चीज़ है ना वो सॉर्ट आउट होगी आपके रिलेशनशिप में, और आपके बीच में जो लव है, जो कनेक्शन है, जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो और ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। आप सेल्फ लव भी करोगे आने वाले टाइम टाइम में, और आपके जो पार्टनर है वो भी आपसे बहुत प्यार करेंगे, और आपको एक बहुत ही अच्छे पार्टनर भी मिलेंगे। प्लस आई जस्ट फील कि जो भी आप चीज़ चाह रहे हो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आपसे, इन द फॉर्म कि अगर आप जितना आप खुद पे बिलीव और प्यार अपने आप से करोगे उतनी ही जल्दी वो चीज़ को आप पा लोगे, राइट? इन फ्यूचर आई सी यू वेरी सक्सेसफुल, कि आप ग्लो कर रहे हो, आपके पास हर चीज़ है, आपके आसपास लोग घूम रहे हैं, आपके अंदर से वो पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट हो रही है। एक और आएगी आपसे बोलने के लिए बोल रहे हो कि आई एम पॉजिटिव, आई एम शाइनिंग, आई एम ग्लोइंग, ओके नो, बट अब होगा कि आप में से वो दिख रहा है, आपके फेस से दिख रहा है वो, आपके ऑरा से दिख रहा है वो कि आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितने ज़्यादा, मतलब एक अलग ही पर्सनैलिटी होगी आपकी इन इन द नियर फ्यूचर। एंड देर इज अ बैलेंस इन योर लाइफ बिटवीन मेल एंड फीमेल एनर्जी, यिन एंड यांग। आपके अंदर की जो एनर्जी डिसबैलेंस हो रखी है ना वो बैलेंस में आएगी। अब आपको अपने अंदर से हेल्थ वाइज या हर तरह से आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। बस अपने आप से बहुत सारा प्यार करो, जस्ट लव योर सेल्फ, प्रैक्टिस सेल्फ लव, और आपके आस पास तो यूनिवर्स बैठा है आपसे प्यार करने के लिए, आपको हर चीज़ प्रोवाइड करने के लिए। आई जस्ट फील कि आप बहुत खुश होने वाले, दिल से आप बहुत खुश होने वाले हो द नियर फ्यूचर, जब आपकी वो विश पूरी होगी। और देखते हैं हम ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। बैलेंस, अगेन कार्ड ऑफ बैलेंस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड इमोशनल लॉस। ये जो भी सिचुएशन इन्वॉल्व है ना आपकी लाइफ में, इसमें आपको इमोशनली इतना इन्वॉल्व नहीं होना है, राइट? मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी
आपको इसमें रहना है, प्रैक्टिकल पे रहना है, बिकॉज आप कार्ड भी आपने चूज किया है, ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सपने तो देखो बट प्रैक्टिकली भी उस पर इम्प्लीमेंट करो। जितना अगर आप इमोशंस पर रिलाई करोगे ना इस सिचुएशन में, उतना ही आपको हर्ट होगा। अगर कोई रिलेशनशिप भी है तो जस्ट थिंक कि प्रैक्टिकली हाउ कैन यू सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस, क्या क्या आपके आप सर्च कर रहे हो रिलेशनशिप में, रैदर देन कि सिर्फ इमोशनली आप सोच रहे हो कि बस कोई अच्छा लगता है तो यू हैव टू लिव विद दैट पर्सन। हर एस्पेक्ट से सोचो अपनी लाइफ को, फिर कोई डिसीजन लो, राइट? अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, कि दूर जाना चाह रहे हो, तो ट्रैवलिंग भी पॉसिबल आने वाले टाइम में। और जो भी आप काम करोगे आगे लाइफ में, उसमें आपको आप आगे ही बढ़ोगे। यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, सो आपके जो भी रुके हुए रास्ते हैं ना वो खुलने वाले हैं, और आप आगे अब बिना किसी प्रॉब्लम के आप आगे बढ़ने वाले हो लाइफ में, और आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है। आपकी लाइफ में यू नो एक जो भी सिचुएशंस आउट ऑफ बैलेंस चल रही हैं आपके फेवर में, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो यू विल फील बैलेंस, यू विल फील प्रेजेंस ऑफ दैट डिवाइन एनर्जी अराउंड यू, कि हाँ कोई है जो आपके रास्ते खोल रहा है, कोई है जो आपकी हेल्प कर रहा है। यू विल फील कि कोई एक डिवाइन एनर्जी है। और अगर आपको आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है लाइफ में, तो अब आपको जस्टिस मिलेगा आने वाले टाइम में। आई जस्ट सॉ 11-11 एंड ईयर इज कार्ड नंबर 11, तो यस 11-11 एंजल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए आने वाले टाइम में। और देखते हैं ग्रुप नंबर 1। कि सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, तो आपके प्रॉब्लम की जो चाबी है ना वो आपको मिलने वाली है। अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूं, कैसे निकलेगा सोल्यूशन, तो आपको कहीं ना कहीं रास्ता नजर आएगा कि मुझे ये चीज़ करनी है, या कोई ना कोई एज अ हेल्प बन के आपकी लाइफ में आ रहा है। सो कुछ ना कुछ रास्ते जो हैं आपके लिए खुलेंगे, और फाइनली यू विल बी सक्सेसफुल जो भी आप चीज़ चाह रहे हो। फाइनेंशियल गेन यूजुअली समथिंग यू डिड इन द पास्ट, सो पास्ट में आपने जो मेहनत करी है उस वजह से आपको फाइनेंशियल गेन जो है मिलेगा। मतलब आपने पास्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट की है, पढ़ाई करी, तो उस वजह से यू आर गेटिंग अ न्यू जॉब और समथिंग, तो आपको फाइनेंशियल गेन आ रहा है वहाँ से। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, सो यस आप इतने अच्छे लगोगे ना, आप इतने पॉजिटिव बनोगे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आपके एडमायरर्स की जो है वो लाइन लंबी होने वाली है। लोग एडमायर करेंगे आपको, आपकी पर्सनालिटी को, आपके बिहेवियर को, आपकी हर एक चीज़ को लोग नोटिस करेंगे, उसको एडमायर करेंगे। मे बी कोई स्पेशल पर्सन है जो यू नो वेट कर रहे हैं आपको अप्रोच करने का, तो वो भी आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1। वी हैव अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेर यू नीड टू बी, सो टेंशन वाली बात नहीं है। आपको लग रहा होगा अभी कि मैं पता नहीं कौन से रास्ते पे हूँ, ये लाइफ कहाँ जा रही है मेरी, बट अभी आप बिल्कुल सही जा रहे हो। कुछ चीज़ें अभी अननोन हैं, वो रिवील नहीं हो सकती हैं, वो डिवाइन प्लान है, वो कब रिवील होनी है, बट आप सही हो, आप सही जा रहे हो। टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। कभी कभी जब कन्फ्यूजन हो तो अपने अंदर झांक के देखो, अकेले में बैठो और सोचो कि क्या इस बात का जवाब क्या होगा। सवाल खुद से पूछो, आंसर्स आपके अंदर ही हैं, और जो जवाब अंदर से आ रहे हैं वो जवाब खुद डिवाइन के जवाब है वो। एंड लास्ट इज होल्ड द कोर्स, स्टेइंग फोकस्ड। तो जो भी चाहते हो लाइफ में, जो भी करना चाह रहे हो, अभी जिस चीज़ के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उस पर अपना अटेंशन 100% रखो, स्टे फोकस। ये नहीं कि आप सिर्फ ड्रीम्स देख रहे हो, उसके बारे में प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे हो, तो फोकस लगाओ वहाँ पे, अपना हार्डवर्क दो, अपना डेडिकेशन दो, और फिर देखो वो चीज़ आपको कैसे नहीं मिलती है। ओके सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। थैंक यू, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हाय गाइज, ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज करा है कार्ड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। चलिए देखते हैं कि जिस चीज़ के लिए भी आप प्रेयर कर रहे हो, क्या वो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है या नहीं है। सबसे पहले हम फटाफट से देखते हैं कि अभी आप किस करंट एनर्जी, किस करंट जोन में हो अपनी लाइफ में। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। द मून, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में जो है अभी थोड़ा सा आई फील डिप्रेसिंग माहौल चल रहा है, कि आप करना बहुत कुछ चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, प्लस शायद आपके आसपास शोर बहुत है,
और आप अंदर से अकेले हो। ये सिचुएशन हो सकती है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बट आप किसी को भी नहीं सुन रहे हो, आप बस अपने इंट्यूशन को सुन रहे हो। मे बी आपको लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, मे बी आपको लोग गलत समझ रहे हैं, बट यू डोंट केयर। आप अपने दिल की सुन रहे हो, अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो। प्लस यू जस्ट फील कि आपने अपने आप को एक कम्फर्ट जोन में रख लिया है कि ये मेरा कम्फर्ट जोन है और इससे बाहर मुझे नहीं निकलना, जो कि बहुत गलत है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, राइट। और यहाँ पे ये भी कि आप वैसे सीक्रेट्स रख रहे हो, मतलब आप जो है अपनी लाइफ में आपके क्या चल रहा है, क्या आप कर रहे हो, क्या आपके प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स, आपके रिलेशनशिप्स, आप इतना शेयर नहीं कर रहे हो लोगों के साथ, बिकॉज यू फील कि पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, प्लस यू डोंट वॉन्ट टू रिवील योर प्लान्स। आप अपने तक ही रख रहे हो, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपकी खुशी है, चाहे आपका गम है, वो आपके अंदर ही है, आप उसको नहीं शेयर कर रहे हो सबके साथ, राइट। एंड आई जस्ट फील कि कहीं ना कहीं आपका मन करता है कि आप दूसरों की हेल्प करो, आप दूसरों की हेल्प भी कर रहे हो, और आप इतना अर्न करना चाहते हो कि आप जो कि पुअर हैं, जो नीडी हैं, जो जिनको हेल्प चाहिए, आप उनकी हेल्प कर सको, आप इतना कुछ अर्न करना चाहते हो, इतना कुछ अचीव करना चाहते हो। मतलब आप दिल से बहुत अच्छे पर्सन हो कि आप सब कुछ होने के बाद भी आपके माइंड में थॉट रहेगा कि मैं दूसरों के लिए मैं क्या करूँ, मैं किस कैसे दूसरों की हेल्प करूँ। आई थिंक आप बहुत चैरिटी भी कर रहे हो इस टाइम भी, कि आप तो जितना आप कर सकते हो उतना आप करते भी रहते हो अपनी लाइफ में, ये भी दिख रहा है। प्लस आप ऐसे पर्सन हो कि जिसको ना बराबर पसंद है हर चीज़ की, इक्वल बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, रिलेशनशिप्स में। जितना प्यार आपने दिया उतना आपको चाहिए भी रिटर्न में, ये आपकी पर्सनालिटी है। आई जस्ट फील कि आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो रुकी हुई हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ रही हैं, राइट। इट्स लाइक दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, फिर उस पर ब्रेक लग जाता है, मतलब वो चीज़ अपने मुकाम तक नहीं पहुँच पाती है। हालांकि कि कोई ऑफर है जो आप तक आना चाहता है, बट बीच में ही वो एक स्लो एनर्जी है कि बहुत धीरे धीरे करके वो चीज़ आप तक पहुँचती है, फिर बीच में ही अटक जाती है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है आपकी लाइफ में, दैट्स वाई यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी की, डिवाइन आपकी मदद करे। चीज़ें बहुत स्लो है, चीज़ें आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, मतलब आप बहुत ज़्यादा ही एफर्ट मारो या बहुत ज़्यादा प्रेयर करो, विश्वास रखो, तब जाके वो चीज़ फाइनली आपको मिलेगी। तो आपको उस चीज़ की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, ये है, राइट। चलिए अब आते हैं आपके मेन क्वेश्चन पे कि जिस चीज़ के लिए भी आप प्रेयर कर रहे हो, क्या वो चीज़ आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी, देखते हैं क्या आंसर आता है ग्रुप नंबर टू के लिए। ओके, ग्रुप नंबर टू, लेट्स सी। मैजिशियन, टू ऑफ कप्स एंड द चैरियट। आपके लिए तो है बिग 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 यस। आपके लिए दो मेजर अरकाना आए हैं, और जो माइनर अरकाना आया है टू ऑफ कप्स, वो भी बहुत अच्छा कार्ड है, राइट। सो यस, जो भी चीज़ आप प्रेयर कर रहे हो वो चीज़ आपको पक्का पक्का मिलेगी, एंड वो चीज़ आप तक पहुँचने वाली है बहुत जल्द, 1 से 2 महीने में वो चीज़ आपके पास होगी। इस चीज़ में ना एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि ये आपको, मतलब आपको जो काम करना है वो तो करना ही है, आपका विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी विश है। अगर आप इसमें विश्वास नहीं कर रहे हो ना, तो वो चीज़ आप तक पहुँच नहीं पाएगी। सो बिलीव, और आप उस तरह के लोग हो, आपकी डेस्टिनी उस तरह की है कि चीज़ें स्लो हो जाती हैं आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लो, आप प्रेयर करो, आप मैनिफेस्ट करो, तो वो चीज़ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ जाएगी। ये है, ये आपको स्पेशल बनाया है गॉड ने। सो मैनिफेस्ट करना नहीं छोड़ना है, पॉजिटिव रहना है, राइट। और आपके पास हर वो रिसोर्स है, आपके पास हर वो पावर है, आपके अंदर वो पावर है, आप खुद डिवाइन हो, ये सोच लो आप सब कुछ पॉसिबल है आपके लिए, और आपकी स्पिरिचुअलिटी ही आपकी ताकत है, राइट। और अब जब ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आप बहुत सक्सेसफुल बन रहे हो आगे जाके, राइट। आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी विक्ट्री हो रही है, अपनी विल पावर, आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है ना, वो नहीं मरनी चाहिए। यू हैव टू बी लाइक कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है। ये आपको फेम, सक्सेस, सब कुछ मिलेगा आगे। आप मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है कुछ लोगों के लिए, आप ट्रैवल कर रहे हो, काफ़ी दूर जा रहे हो आप कहीं,
राइट। और यहाँ पे मुझे आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, कि आपकी पार्टनरशिप हो रही है, या फिर अगर आपका आपका क्वेश्चन ही लव लाइफ को लेके गया कि आप दोनों एक हो पाओगे, तो यस आप दोनों एक हो पाओगे। आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आएंगे, आपके डिवाइन पार्टनर आएंगे, आपको कमिटमेंट मिलेगा, आपकी शादी होगी, आपका रिकन्सिलिएशन होगा। अगर आप मैरिड हो तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है मैरिड लाइफ में वो सॉर्ट आउट होंगी। आपका जो प्यार है वो और स्ट्रांग होगा। अगर कोई थर्ड पर्सन है आपके बीच में तो वो दूर जाएगा, और आप जो भी विशेस मांग रहे हो ना अपने रिश्ते को लेके, वो विशेस पूरी होंगी। अब दोनों का जो प्यार होगा वो बराबर का होगा, आपके और आपके पार्टनर का। सो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आएंगे गाइज आपके लिए। सो आई होप कि अब आप पॉजिटिव रहो और आप पॉजिटिवली इस चीज़ को विश करो, मैनिफेस्ट करो। और देखते हैं हम आपके लिए ग्रुप नंबर टू। वी हैव लव, टू ऑफ कप्स एंड लव, वी हैव ल्यूमिनोसिटी, वी हैव सोलमेट। सी सोलमेट्स, टू ऑफ कप्स, यस। सो आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आ रहे हैं, आपका सोलमेट, आपका रिलेशनशिप जो है वो और मजबूत हो रहा है, आपके रिलेशंस और गहरे हो रहे हैं, राइट। और आप कोई गुंजाइश नहीं किसी तीसरे पर्सन की इस रिश्ते में। आपका प्यार बहुत ज़्यादा ब्लॉसम हो रहा है, बहुत अबंडेंट एनर्जी है लव रिलेशनशिप्स में। प्लस यहाँ आप खुद भी अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हो, अपनी केयर कर रहे हो, अपने ध्यान रख रहे हो, अपना अपने हेल्थ का, अपनी हर चीज़ का आप ध्यान रख रहे हो। और आपके अंदर से वो एक पॉजिटिविटी जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, आपका ऑरा जो है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। आपके लुक्स और ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, एंड आपके अराउंड से प्यार ही प्यार आप फील करोगे, कि आपको प्यार मिल रहा है तरह से, लोगों से, आपके पार्टनर से, आपकी फैमिली से। सो इट्स लाइक यू आर गिविंग लव, यू आर रिसीविंग लव, ओके। एंड इट्स लाइक डिवाइन लव, कि डिवाइन भी आपसे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, आपको बहुत सारा प्यार कर रहे हैं आपसे, और बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं आपके लिए, और आपकी सारी विशेज़ जो है ना वो डिवाइन पूरी कर रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, राइट। तो आने वाला टाइम आपका बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, ग्रुप नंबर टू। और देखते हैं ग्रुप नंबर टू के लिए। हार्ड टू शफल, चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, चल रही हैं, विच आई कैन फील। बड़ी मेहनत करनी पड़ती, सी वापस कार्ड गिर गए। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको, कोई भी चीज़ हासिल करने में बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। वी हैव डिसकंटेंट एंड बोर्डम, देन वी हैव इज द शैडो विच इज अगेन मून कार्ड, एंड वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये जो अकेलापन आपकी लाइफ में आया है, ये आपको अपनी शैडो सेल्फ से मिलवाना है, आपको अपने आप से मिलवाने आया है। अभी आप बहुत डिसकंटेंट हो अपनी लाइफ से, बोर हो रहे हो, जिस फील कि आपकी लाइफ ऐसी है, ऐसी रहने वाली है, और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। बट इस पिक्चर का एक और पहलू है, कि इस पर्सन का फेस जो है वो डार्कनेस की तरफ है, ये उस तरफ देख ही नहीं पा रहा है, जब उस तरफ बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत सारा एक ब्यूटीफुल नज़ारा है, बट इसकी जो नज़रिया है वो गलत डायरेक्शन में है। तो अभी भी आपका नज़रिया जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, हो सकता है, या आपने चूज़ करा है इस लोनलीनेस को, क्योंकि आप अपने शैडो सेल्फ पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, आप अपने आप से मिल रहे हो, अपने आप से रूबरू हो रहे हो, कि मुझ में क्या कमी है, मैं क्या इम्प्रूव करूँ, मैं अपने आप को कैसे सही करूँ, राइट। लोगों के बीच में जाने से पहले आप खुद के ऊपर काम करना चाहते हो, अपने आप को और मजबूत पर्सन बना के फिर आप एक अलग आपकी पर्सनालिटी होने वाली है। एंड या फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, जो दिखा रहा है शादी को, दिखा रहा है मैरिज, कमिटमेंट को, न्यू हाउस, ओके, या किड्स, और एक बैलेंस को दिखा रहा है। और अगर आपने हमेशा से ड्रीम किया कि आप और आपके पार्टनर साथ में रहें, एक घर बनाएं आप दोनों, राइट, आपकी फैमिली हो उस घर में, तो आपका वो ड्रीम पूरा होने वाला है। और यहाँ मुझे बहुत सारी खुशियाँ दिख रही हैं आपके घर में आती हुई, आपके पार्टनर और आप बहुत खुश रहोगे, आपकी फैमिली और आप बहुत खुश रहोगे आने वाले टाइम में। सो बहुत अच्छा फेज आपकी लाइफ का आने वाला है। यहाँ देखते हैं ग्रुप नंबर टू। Yes.
again. We have great passion, tulip. And then we have opportunity or windfall. And we have position of authority. So ये जो चीज़ आप prayer कर रहे हो ना, ये एकदम से आएगी आपकी लाइफ में. आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, पर सडनली मतलब जब आपने बिल्कुल होप खो दोगे ना, सडनली वो चीज़ आ जाएगी आपकी लाइफ में, राइट? और आपका बहुत ग्रेट पैशन है इस चीज़ के लिए, बहुत बहुत पैशनेट हो इस चीज़ के लिए. सो यस, अपना वो पैशन जो है वो ज़िंदा रखना कि ये चीज़ करनी है मुझे लाइफ में, तो अपने पैशन को बढ़ने में देना. एंड आई फील कि ये जो चीज़ आएगी जब आपकी लाइफ में, तो आपकी रिस्पेक्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी. या तो आप जॉब मैनिफेस्ट करो जहाँ पर आपकी बहुत रिस्पेक्ट हो, राइट, आपके आगे भी ये सब घूमे और आपको एकदम अच्छी पोजीशन मिलेगी अपनी लाइफ में, राइट. या आपकी फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, या फिर आपकी रिस्पेक्ट जनरली बढ़ रही है लाइफ में, राइट. बट आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी आने वाली हैं, आप कुछ एक्शंस भी लेने वाले हो, बट यू विल एन्जॉय दैट फेज़. सडनली आपकी लाइफ में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो है वो डिवाइन आपको देने वाले हैं बहुत ही जल्द. सो बी रेडी फॉर दैट, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है ग्रुप नंबर टू. फर्स्ट इज क्लेंजिंग वाटर्स. प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स. अपने आप को प्योरीफाई, अपने आप को क्लेंज करो. लाइक जस्ट टेक, जस्ट बी रिलैक्स्ड. ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको रिलैक्स, काम डाउन होने में हेल्प करती हैं, स्पेशली वाटर थेरेपी, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट. सो काफ़ी आप अच्छा महसूस करोगे. और जितना हो सके उतना पानी पियो, राइट. और जब पानी पियो तो अच्छा सोचो, और जो विश आप चाहते हो ना, वो सोचते हुए पानी पियो विद अ पॉजिटिव एनर्जी. देन चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल. सो डिवाइन इज सेइंग ऑल इज़ पॉसिबल. अभी चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है, बट सब कुछ पॉसिबल है. अपने पाथ को अच्छे से चूज़ करो और उस पाथ पे चलो. अपना हार्डवर्क करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, बट बिलीव करो कि सब कुछ पॉसिबल है. एंड थर्ड इज़ वास्ट विस्टाज, एक्सपैंड योर होराइजन्स. सो आपके होराइजन्स जो है ना, वो एक्सपैंड होने वाले हैं, कि कहीं ना कहीं आपका नज़रिया जो है बहुत बदलने वाला है लाइफ को लेके. अब वो छोटी मोटी बातें जो है वो आपकी लाइफ में बिल्कुल मैटर नहीं करेंगी. फॉर यू नाउ यू वॉन्ट टू थिंक समथिंग बिग, कि अब और क्या बड़ा करूँ अपनी लाइफ में, मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, राइट. और आपकी सोच जो है, आपका दिमाग जो है वो खुलेगा. या तो आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो या आप कहीं दूर जा रहे हो. सो जितना हम ट्रैवल कर, जितना हम मिलते हैं, तो हमारा दिमाग ओपन होता है, राइट. तो आपके जो विजन है, आपकी जो सोच है ना, वो खुलने वाली है. आप बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड बनने वाले हो, और आप यू नो यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, ये होने वाला है. सो एक्सपैंड योर होराइजन्स. ओके, बहुत अच्छी दुनिया आएगी, तो आप जितना हो सके आप उसको एक्सप्लोर करो, अपना पाथ चूज करो, और बिलीव करो कि सब कुछ पॉसिबल है इस लाइफ में. ओके, सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर टू. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय.